नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। होशंगाबाद जिले में हो रहे लगातार उत्खनन को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आज डोलरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कजलास की ओर अवैध रेत का परिवहन करते हुए रेत से भरे टिकरे ट्राली को मौके पर पहुंचकर पकड़कर वाहन के दस्तावेज चेक किए। वाहन के दस्तावेज नहीं होने पर वाहनों को अभिरक्षा में लेकर थाने लाया गया और धारा 379 IPS के तहत संपत्ति अधिनियम विरूपण के तहत कार्रवाई की गई। डोलरिया से कैमरामैन प्रवीण गौर के साथ बिजबीत गौर की खास रिपोर्ट। जैसा कि आज मैम, कितनी ट्राली जब्त की गई और किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? कल कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी और हमारे SP सर का सख्त आदेश है कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, जुआ, शराब सट्टा नहीं होना चाहिए। उसी तारतम्य में उनके आदेश का पालन करते हुए आज हम लोग सुबह 5 बजे से मुखबिर को लगाया था अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में कि सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में करीब दिन के 11-12 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कजलास तरफ से कुछ 2 ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते हुए जा रही हैं, जो कि चंदवाड़ रोड पर है, जिस पर तत्काल हम लोग गए मौके पर। उन्हें देखा तो 2 ट्रॉलियाँ खड़ी जा रही थी, जिन्हें अभिरक्षा में लिया। मौके पर पूछताछ की, कागजात नहीं मिल पाए उनके पास, तो उन्हें तत्काल थाने लाकर अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। और इसी समय एक और सूचना प्राप्त हुई थी कि डोलरिया में हथेड़ नदी के पास भी एक ट्रॉली अवैध परिवहन कर रही है रेत का उत्खनन करते हुए। तो उस समय भी तत्काल मौके पर पहुंचे, ट्रॉली को अपने अभिरक्षा में लिया, ट्रॉली में ड्राइवर को, तो उसको भी थाने पर लाया गया है। उक्त ट्रॉली चालक द्वारा बताया गया है कि उसने पंचायत के काम से वो रेत प्लस मिट्टी, जिसे भसुआ बोला जाता है, वो भसुआ पंचायत के काम से डाल रहा था। इस संबंध में सरपंच के द्वारा भी मौखिक बताया गया है। उन्होंने अपने पास कागजात होना भी बताया है, जो अभी पेश नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बोला है कि 1 घंटे में हम ला के पेश कर देंगे, तो उस पर अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिर भी माइनिंग विभाग को हमने सूचित कर दिया है। बाकी अन्य 2 ट्रॉलियों पर धारा 379 IPC के तहत और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।